हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हमारा तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मुझे बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया है। मैं सोच रही थी, बच्ची को बार बार दवा करा रही हूँ, बच्ची का तबीयत क्यों ठीक नहीं हो रहा? मेरे बुखार की वजह से उसका तबीयत ठीक नहीं हो पा रहा है। मुझे टाइफाइड हो चुका है और मुझे दवा ववा से बहुत एलर्जी। मैं दवा नहीं जल्दी खाना चाहती हूँ, लेकिन बच्ची के लिए मुझे जाँच करवाने जाना पड़ेगा। मैं जाऊँगी, दिखाऊँगी क्या करूँ। बहुत ज़्यादा परेशान दोस्तों, एक मुसीबत जाती नहीं तब तक दूसरी आ जाती है। मैंने सोचा कल मैंने ब्लॉग बनाया कि आज बहुत खुश हूँ, तक प्रॉब्लम दूसरी आ गई। नटुल जी दो फैसले लिए हैं, या तो घर आओ या तो मुझे तलाक दो। घर से कदम बाहर रखना है मुझे। मैं काम भी ना करूँ, मुझे खर्चे भी नहीं देंगे और मैं अकेले झेलती रहूँ। काम भी नहीं करूँगी तो बच्ची को कैसे देखूँगी, खुद को कैसे देखूँगी? उनका कहने का मतलब है कि मैं वहाँ पे आऊँ या तो उनको छोड़ दूँ, ताकि उनके जितने लोग हैं अगल बगल की बहुत राज से, ऐश से, सुकून से रहे। मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया क्योंकि मुझे रोक लग गई, मुझे धमकियाँ आने लगी, डांट पड़ने लगी कि ये सब वीडियो मत बनाओ। मैंने छोड़ दिया, नहीं बना रहे थे और ना ही बुराई कर रहे, बट उनकी फैसला है, जो वो चाहेंगे वही होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। शादी एक बार होती है, हर बार शादी नहीं होती है। और लोग कहते हैं ना, तलाक के बाद रिश्ता टूट जाता है, तो रिश्ता टूटता नहीं है, मरने के बाद ये रिश्ता टूटता है। एक पति से पत्नी दूर तभी होती है जब उसकी मृत्यु होती है। तलाक तो सिर्फ एक कागज़ है, सिंदूर पड़ जाता है रीति रिवाज से। क्या आप कागज़ पर साइन करते हैं तब भी आपसे कोई उल्टा मंत्र पढ़ के आपको सुनाया जाता है? नहीं ना। शादी होगी तो शादी एक ऐसी पवित्र रिश्ता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, ईश्वर के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। वो जब आपको चाहेंगे बुला लेंगे तो भी नहीं टूटता। लोग कहते हैं ना, एक रिश्ता जुड़ता है तो सात जन्म तक होती है। भले ही आप उस रिश्ते से भागिए, दौड़िए, पीछा छोड़ाइए, लेकिन वो छूटता नहीं है। मरने के बाद ही वो रिश्ता टूटेगा। तो हम कागज़ के टुकड़े को कुछ नहीं जानते। दिल का रिश्ता जो होता है वही हकीकत है, वही सत्य है। और मेरे जीते जी तो ये रिश्ता टूट ही नहीं सकता। मैं वहाँ से आई हूँ तो ये फैसला करके नहीं आई हूँ कि मैं यहाँ से वो आपस नहीं जाऊँगी, उनके पास नहीं जाऊँगी, मैं उन्हें छोड़ ही नहीं पाऊँगी। मैंने सच्चा प्यार किया, सच्चे दिल से शादी किया। मुझे आज भी सारे वचन याद हैं और याद ही रहेंगे। मैं उनकी अपमान नहीं करना चाहती हूँ, ना ही करती हूँ कभी, बट जो सच्चाई उसे बोलती हूँ। अब उससे उनकी अपमान होती है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। लेकिन ये भी तो गलत है दोस्तों, हमारी जब अपमान हो रही है तो उनको भी तो देखना चाहिए। पति पत्नी हम एक बराबर होते हैं, एक ही तराजू में हम दोनों रहते हैं। कहा गया है पति पत्नी, पति को अगर दुख होता तो पत्नी को होती है। पत्नी की पति का दुख पत्नी समझती है, पत्नी का दुख पति समझता है, कहावत है। बट कभी कभार पत्नी ही हमेशा साथ देगी, पत्नी ही हमेशा सहेगी, पति नहीं समझ पाता। होगा कोई मजबूरी होगा या कोई टेंशन होगा, लेकिन जहाँ पे आपकी पत्नी का बेइज्जती हो रहा है, आपके लिए जब उलट जा रही है, तो आपको भी तो वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। अकेले पत्नी ही थोड़ी ना वचन ली है, आप ही तो लिए हैं। हमेशा लोग कहते हैं पैर के नीचे पत्नियों को कितने लोग रखते हैं, और लोग तो सबको नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत रिश्ता हमने देखा है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमेशा एक दूसरे को, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम भी आप ही की फैमिली हैं, भले ही बेटी किसी और की है, लेकिन शादी के बाद हम आप ही हो जाते हैं, होके आप ही होके रहते हैं। हम माँ बाप सब कुछ छोड़ के आपके वहाँ आते हैं, आपके भरोसे आते हैं, फिर भी आप हमारा साथ नहीं देते हैं। बहुत दुख होता है, हम तो अपनी माँ से भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने से शादी किए हैं, अपनी पसंद की शादी किए हैं। क्योंकि कहेंगे तो उनको भी दुख होगा, उन्हें भी टेंशन होगा कि अपने से कोई फिर भी कुछ नहीं है। मेरी माँ हर माँ की जैसी नहीं है, औरों की जैसी नहीं। वो भी चाहती तो डायरेक्ट गाली दे सकती थी आप, उल्टा सीधा बोल सकती थी, लेकिन नहीं। मेरी मम्मी कहती है अपना नियत ख़राब कभी नहीं करना चाहिए, उन लोग की सोच जैसी ही रहने दो, तुम सही से रहो। मेरी माँ हमेशा हमें अच्छा ही स्वभाव, अच्छा ही बात बताई, अच्छा ही समझाई है। और वो जहाँ तक कोशिश करते कि हमारा रिश्ता कभी ना टूटे, हम सुखी रहें, मस्त रहें। मम्मी ये कही कि दो कुछ दिन रहो, दो चार दिन रहो, माहौल ठंडा हो जाएगा तब जाना, सब सही हो जाएगा। मेरी पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। तो हमेशा हम बेटियों को ही समझाया जाता है,
बेटे को कभी कोई नहीं समझाएगा कि तुम इस तरह रहो उस तरह रहो, उसे तो अब चढ़ावा दिया जाता है क्योंकि उनकी भी माँ है मेरी भी माँ है, तो दोनों माँ में अंतर ही हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी। सपोर्ट करिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम खुश रहें, मस्त रहें, हमारा रिश्ता बना रहे।